आज मैं चल रही हूँ रोटी के नूडल्स बनाने के लिए तो ये कैसे बनाए जाएंगे आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये हमारे नूडल्स हैं जो मैं दो लोई से बनाऊंगी तो ये रोटी मैंने दो रोटी आम जो आटा रोज पकता है ना घर में बनाई जाती है रोटी है घर की नॉर्मल आटे से तो वो ये आटा है तो मैं इसी आटे से रोटी बढ़ा करके सेक लेती हूँ तो ये रोटी हमारी बिल रही है लंबी आकार से मैं थोड़ी बड़ी रोटी बनाऊंगी क्यों नूडल्स मुझको काटने हैं बारिक थोड़ा ज्यादा तो ये बड़ी रोटी मैंने सेकी है तो ये रोटी हमारी सीख गई इसी प्रकार से मुझको और भी एक बनानी है रोटी तो हमारी ये दोनों रोटी बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से कैसे बनानी है तो एक रोटी को मैं रोल बना करके और इसको मुझे महीन महीन बारीक काटना है ताकि ये नूडल्स ही बिल्कुल ही सेम टू सेम नूडल्स लगे रोटी के और ये घर के बने हुए आटे के नूडल्स हैं गेहूं के आटे की तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे और आपको छोटी भूख लगे तो इसी प्रकार से बनाए खाए तो ये हमने फैन रख दिया है थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसके अंदर जरूरत अनुसार और अब इसमें थोड़ा सा तड़का जाएगा जीरे का तो ये मैंने जीरा डाल दिया है तड़के के लिए और अब जो जी जीरा हो चुका है लगभग तो मैं इसमें डालूंगी प्याज महीन बारीक कटी हुई तो ये प्याज हमारी हो गई है और अब इसमें जाएंगे ये ज़रूरत अनुसार हरी मिर्च जो ये तीखी नहीं है पर थोड़ी ज़्यादा है ना तो तीखी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा डगेरी है तो ये कुछ हमारे शिमला मिर्च आ गई है बड़े स्लाइजेस में लंबे स्लाइज में डाले हैं काट के और ये हमारे को जरूरत अनुसार दो टमाटर आ गए तो ये देखिए मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ और ये स्वाद अनुसार नमक हो गया है तो इसको चल अच्छी तरह तरीके से मुझको चला लेना है और अब जाएंगे इसमें ज़रूरत अनुसार ये मसाले तो ये हल्दी पाउडर हो गया मिर्च पाउडर हो गया कस्तूरी लाल मिर्च और ये धनिया पाउडर हो गया और कुछ ये जाएगा जीरा पाउडर हो गया और ये गई हमारी काली मिर्च डालना बहुत ऑप्शन है और ये जीरा पाउडर हो गया तो ये सब पाउडर इतने हो गए हैं ना साधु ने सर मसाले तो इन्हीं से फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा इसमें और ये सारे मसाले होंगे तो वाकई ही बहुत ही अच्छा आएगा और ये हमारे नूडल्स जो मैंने काट के रखे थे वो मैंने यूं की यूं डाल दिए मुझको बॉईल नहीं करना है बस काटो और तुरंत बनाओ तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं और मैं देख रही हूँ इसको मिक्स कर रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ वाह बहुत ही अच्छे मिक्स हो चुके हैं और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना समझ लो फटाफट ये तैयार हो गए मसाला मिलाओ और तैयार हो गए तो मैं सर्व करके दिखा रही हूँ बर्तन में आप लोगों को भी दिखाऊंगी इतने बेहतरीन बने हैं और खाने में लज्जीदार इतने हैं आप लोग भी इसी प्रकार से बनाए खाए मेहमान को भी खिलाए लाइक करे इंजॉय करे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा